प्लस थ्री के, एक लाइन है, प्लस लैम्डा टाइम्स आई आई माइनस जे प्लस फोर के, ये लाइन है। एंड द प्लेन, प्लेन तुमसा सा है आर बार डॉट आई प्लस फाइव जे प्लस के इज इक्वल टू फाइव इज, ऑप्शन तुम्हारा दिए होते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन? यस, 3 बाय 10, 10 बाय 3, 10 बाय 9 एंड 10 बाय थ्री रूट थ्री इज देयर। तो क्या निकालेंगे इसमें? द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे था। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ये लाइन है ना, ये लाइन है और ये प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने का है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबको मालूम है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the point 2i minus 2j plus 3k and is parallel to the vector i minus j plus 4k. एक point में से पास है और एक vector को क्या है? Parallel. उसी तरीके से ये भी सबको मालूम है, ये plane की equation है, ये plane की equation में ये इसका normal है, i minus i plus 5j plus k is a normal n bar, और ये क्या है इसका p, distance of the point from the origin is one. तो इसमें क्या है actually यहाँ पर? सबसे पहले इसका v bar, ये लाइन का बी बार आगे से देखेंगे अपन, पैरेलल वेक्टर तो i माइनस j प्लस 4k, और ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देखेंगे n बार तो i प्लस 5j प्लस k से। अब सबसे पहले ये दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, b बार डॉट n बार, मुझे क्या मिलेगा 1 into 1 माइनस 1 into 5 प्लस 4 into 1 इज देयर। सॉल्व करने के बाद यही सॉल्व करो इसको, ये कितना आ गया 1 प्लस 4 5, 5 में से 5 गया 0। तो इसका मतलब b बार ये n बार के क्या है? परपेंडिकुलर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर, लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अब ये अगर से परपेंडिकुलर है तो इस पर कंडीशन कैसे आगे? देखो लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? 0 आ गया। अब उसके बाद कंडीशन क्या थी तुम्हारे पास? सिर्फ इसको डिस्टेंस निकालने का है, ठीक है? तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन है। तो कंडीशन क्या हो गई? ये प्लेन का नॉर्मल और लाइन का यहाँ पे कुछ पैरेलल वेक्टर यहाँ पे रहेगा, समझो जिसमें इट इज अ पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन, अपन अब ये जो डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? You can find the distance is nothing but ये लाइन पे सिर्फ जो पॉइंट मिलेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट का ये प्लेन से अपन क्या निकालेंगे? इसका डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन के फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे। लिसन केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये समझ में आ गया कि लाइन का पैरेलल वेक्टर बी बार और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट इतना, मतलब ये देखो यहाँ से एकदम फिगर के हिसाब से बता था, ये अपना प्लेन, ठीक है, और ये अपनी लाइन। तो लाइन सादी नहीं है, लाइन कैसे रहती? लाइन एक पॉइंट पर से पास रहती, ये ए ऑफ ए बार, और इसका ये पैरेलल वेक्टर, मतलब ये पैरेलल वेक्टर क्या है इसका? बी बार। तो अब ये प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। ये अगर से परपेंडिकुलर है तो अब अगर से ये लाइन का डिस्टेंस ये प्लेन से निकालने का है तो सिंपली अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन का फॉर्मूला, वो फॉर्मूले के साथ अपन लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लाइन का पैरेलल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा, बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये ए बार डॉट एन बार माइनस पी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। दोनों लाइन का नॉर्मल और प्लेन का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए यदि लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन टू द प्लेन, वो लाइन पे जो भी पॉइंट रहेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से, मतलब ये फॉर्मूला है। तो तुमको उसमें ए बार मालूम है, ये तुम्हारा ए बार है, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, मतलब ए बार है। उसके बाद एन बार भी तुमको मालूम है, पी भी मालूम है, पी कितना है तुम्हारा? ये पी, ये प्लेन से निकालो, पी कितना है? 5। और मैं कब प्लेन पर बात करूं इसमें से ए बार डॉट एन बार, तो हम इसको शॉर्ट में करेंगे, अपन इसको 2
माइनस टू और थ्री, ये ए बार। एन बार कितना है तुम्हारा 151, ये एन बार। माइनस पी, पी कितना है तुम्हारे पास 5, ये आठ बार। मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, तो एन का मैग्नीट्यूड कितना 1 + 25 + 1। बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे एकदम सिंपल, और 2 - 10, देखो 2 - 10 + 3 - 5, 2 - 10 + 3 - 5 अपॉन अंडर रूट में 25 और 26 सभी कितना है √27 मिलते हैं, ठीक है। तो ये कितना गया दोस्तों सॉल्व करने के बाद, ये आ गया 3 और 2 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल -5 के साथ, है ना। 3 और 2 5 -10 रूट के इस मॉड के बाहर निकालो 10 अपॉन √27, तो √27 कैंसिल डायरे 9 × 27, 9 × 3 = √3, तो आंसर विल बी 10 अपॉन √3। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कोई जान लीजिए। तो क्या याद रखेंगे इस कंसेप्ट से, कोई लाइन और प्लेन का डिस्टेंस निकालने का है तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये अगर से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, परपेंडिकुलर है, तो उस समय हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लाइन पे पास होने वाले पासिंग थ्रू द पॉइंट का और वो प्लेन से डिस्टेंस, क्योंकि ये फॉर्मूला निकालते अपन ए बार डॉट एन बार माइनस पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इज देयर। ओके, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देंगे अपन, अगला क्वेश्चन भी आई थिंक अगला आपको क्वेश्चन पर आ रहा है तुम्हारा, यस टेल मी नाउ आया क्या पूछा, अगला क्वेश्चन पर आया ना। ये क्वेश्चन पर आ रहा है टेल मी नाउ, अरे बोला बोल के नहीं कहते सांगा। ओ सर, ओ सर, आवाज देते हो सर ना करा ना सर, बाकी सांगत ते काय झोपले का बाकी जे बघता बघता बरेच मुलं मी बघायला, हो सर हो सर, मोबाईल घेऊन मस्त झोपायले जसा ते चालणार नाही, कळालं का, हो सर झोपले बाकी जे सेकंड हा मोबाईल, हो सर हो सर कळालं, हो सर झोपायला, हो सर कळालं, हा सर काय तर बरेच मुलं मनाय सुद्धा सर आम्हाला सकाळी सकाळी झोपच यायले मोबाईल बघून बघून, आता करू नका झोपू नका। नेक्स्ट क्वेश्चन असा होता बघा, कालचा दिलेला पहिला क्वेश्चन असा होता की द इक्वेशन ऑफ प्लेन पॅरलल टू द प्लेन विच इज ऍट अ डिस्टन्स ऑफ युनिट डिस्टन्स फ्रॉम द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पॅरलल टू द प्लेन, आ प्लेन ची इक्वेशन होती (x - 2y + 2z - 4) = 0, हा प्लेन होता, विच इज ऍट अ युनिट डिस्टन्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3, से कितना डिस्टन्स करता, युनिट युनिट म्हणजे पॉइंट डिस्टन्स, तो उससे क्या पूछा प्लेन की इक्वेशन निकालो और तुमको ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, तो वेरी सिंपल वन, इसमें से कोई खास बात नहीं, देखो सबसे पहले ये प्लेन है, उससे क्वेश्चन क्या पूछा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, तुमको मालूम है जब दो प्लेन पैरेलल है, जब दो प्लेन पैरेलल है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, जब भी ये दो प्लेन पैरेलल है तो जब प्लेन्स पैरेलल है तो डिफरेंस सिर्फ उसे कहां पर रहता, कांस्टेंट में रहता, मतलब किसी ने तुमको बोल दिया ये देखो ये प्लेन है तुम्हारे पास (x - 2y + 2z - 4) = 0, इसका तुमको अगर से पैरेलल प्लेन निकालने का तो पैरेलल प्लेन सिर्फ कितना रहेगा मालूम (x - 2y + 2z) सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस रहेगा, माइनस फोर है यहाँ पर तुमको कांस्टेंट मालूम नहीं है तो कांस्टेंट क्या लोग (k = 0), तो जब भी दो प्लेन्स पैरेलल रहेंगे उस टाइम पे उनका x का कोएफिशिएंट, उनका y का कोएफिशिएंट, उनका z का कोएफिशिएंट, ये दोनों तीनों तीनों भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा उसके कांस्टेंट में, अभी कांस्टेंट अपने को मालूम नहीं है इसके अपने क्या किया प्लस के, तो ये प्लेन का पैरेलल प्लेन अगर से निकालने का है द प्लेन, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, कौन से प्लेन को, ये प्लेन को, द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन (x - 2y + 2z + 4) = 0 is, (x - 2y + 2z + k = 0) ये है इसका पैरेलल प्लेन, अब उसे क्या पूछा ये पैरेलल प्लेन का दिस प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये प्लेन जो पैरेलल प्लेन है
ये कितने डिस्टेंस है, वन यूनिट डिस्टेंस से है, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 से। तो अपने को मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज राइट। तो आप उसने क्या बोला, ये पैरेलल प्लेन का, ये प्लेन का जो पैरेलल है, ये प्लेन का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 1, कहां से, कौन से पॉइंट से, 1, 2, 3 से। तो देखो यहां पे 1, 2, 3 मतलब इसका a बोलो 1 इनटू 1, x1 क्या है 1, y1 कितना है 2, z1 कितना है 3, a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है 2, ax1 तो बोलो 1 इनटू 1 1 -2 इनटू 2 -4 प्लस 2 इनटू 3 6 इज देयर और प्लस का d मतलब कितना है पे कांस्टेंट की अपॉन अंडर रूट पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 4 प्लस 4 सो फाइनली वी गॉट द कंडीशन व्हाट वी गॉट हियर 1 इज इक्वल टू -3 मतलब 3 प्लस के अपॉन 3 इज देयर राइट और ऑफ 3 प्लस के अपॉन 3 इज देयर। सो कल मैंने बताया जैसे यहां पे मॉड अगर से निकालने का है तो कैसे लिखेंगे इसको, हम देखो हम क्या है कि तीन तो कांस्टेंट है तो मॉड में k प्लस मॉड में k प्लस 3 या फिर मॉड में 3 प्लस k इज इक्वल टू ये 3 इधर चले गए। अब अगर से ये मॉड निकालने का है, कल ही बताया मैंने मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस, इसको से ये अगर से मॉड निकालने का है तो सामने वाले वाले क्या करना पड़ेगा तुमको, प्लस और माइनस 3 इज देयर, यू कैन जस्ट टू फाइंड आउट दिस मॉड। मॉड अगर से निकालने का है तो फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, और इस पर भी कोई फायदा नहीं, अब तो k क्यों निकालने का है, तो सिंपली ये मॉड निकालने का है तो टेकिंग प्लस और माइनस टू द अदर साइड। सो सबसे पहले प्लस का 3 लेके k क्यों निकालो, तो k के सामने का 3 में से 3 गया कितना 0 और 3 प्लस k इज इक्वल टू माइनस 3 और 3 प्लस k इज इक्वल टू माइनस 3 तो k कितना मिलेगा -3 -3 -6 इज देयर। इसका मतलब हमको दो प्लेन्स मिलेंगे, वो प्लेन के पैरेलल दो प्लेन रहेंगे है ना, ये जो प्लेन है ये प्लेन को दो पैरेलल रहेंगे, क्योंकि तो डिस्टेंस 1 ये वाला है तो 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर से भी रह सकता और 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे भी रह सकता, तो ये प्लेन के पैरेलल वाली दो प्लेन की कंडीशन आएगी। जब हम k इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो पहला प्लेन क्या मिलेगा x-2y+2z इज इक्वल टू 0 और जब हम k इज इक्वल टू -6 रखेंगे तो x-2y+2z -6 इक्वल टू 0। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट वन, x-2y+2z -6 इक्वल टू 0 इज देयर। आई होप यू गॉट दैट वन, एकदम सिंपल है। यहाँ पे k की वैल्यू 2 क्यों आए, क्योंकि ऑब्वियसली 2 आना ही चाहिए था, ये प्लेन के पैरेलल दो प्लेन रह सकते, एक यूनिट डिस्टेंस से, एक यूनिट डिस्टेंस के ऊपर भी एक प्लेन पैरेलल रह सकता, एक यूनिट डिस्टेंस से नीचे भी एक प्लेन क्या रह सकता, पैरेलल रह सकता, इसलिए 100% के दो वैल्यू आने ही था, 0 और कितना -6, क्योंकि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आपने ये मालूम है ना कि जो दिए वाला प्लेन को है तो वो प्लेन को ऊपर से 1 यूनिट डिस्टेंस है कि नीचे से 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये मालूम नहीं, इसकी वजह से दो प्लेन की इक्वेशन आई। अगर से 0 है तो एक प्लेन आया x-2y+2z = 0 और अगर से -6 रखते हैं तो x-2y+2z -6 = 0। सो अगेन छान क्वेश्चन AI EEE मध्ये विचारलेले हे दोन्ही क्वेश्चन, त्याच्यामुळे तुम्हाला दिलं होतं। चलो फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। देखो वही क्वेश्चन को उसने कैसे फिरा के पूछा, आपका जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन था 1 यूनिट डिस्टेंस का, वो तो जेई बेस पे पूछा वाला था 2016 में। क्या अगला क्वेश्चन है, आई एम कंफ्यूजिंग लिटिल बिट, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा वाला था एग्जाम में जेई मेंस में, अभी लेंगे अपन। देखो तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
1 comma minus 5 comma 9 from the plane x minus y plus z is equal to 5 measured along a straight line के साथ प्रतिरूप x is equal to y is equal to z is options are first option 10 root 3 second option 5 root 3 third option 3 root 10 the last option is 3 root 5 yes options barabar now you can do very easily करून बघा आणि मला सांगा काय काय करता येईल याच्यामध्ये कंडिशन समजून घ्या कंडिशन आहे इक्वेशन डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज दिस वन स्ट्रेट लाइन जो मेजर अलॉन्ग अ लाइन इज देयर ये लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज तो इसका अपने को डिस्टेंस है निकालने का ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से जो कि ये लाइन के अलॉन्ग मेजर्ड है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से निकालने का है और जो के मेजर्ड अलोंग अ लाइन के है ना क्वेश्चन थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसमें तो पहले सोचो क्या क्या कर सकते इसमें थोड़ा उत्तर लक्ष्य डाला तो मैं सांगा ऐसे मैं सॉल्व करून दाखवतो दोनच मिनट तुम्हाला मी टाइमपास करू नका कारण आता आपण चॅप्टर संपण्याच्या मार्गावर आहोत त्यामुळे तुम्हाला फक्त थोडाफार याच्यामध्ये समजायला पाहिजे काय काय पाहिजे येस यू कॅन सेमी दोन मिनिट तुम्हाला देतो आलं का कंडिशन बघा एकदम क्लिअर कंडिशन तुम्हाला क्लिअर कट कंडिशन दिली आहे बघून घ्या काय करता येईल कंडिशन अशी एक प्लेन आहे ठीक आहे हा प्लेनचा डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट हे पॉइंट इथे कुठेतरी आहे इथे कुठेतरी आहे 1 मायनस 5 9 आता तुम्हाला एवढं बघावं लागेल ही लाईन स्ट्रेट लाईन आहे का तुमची साधी लाईन आहे एकदम कन्फर्म करू एकदा कन्फर्म झालं की आपल्याला ते क्लिअर होतंय की त्या लाईन बद्दल काय करता येईल सो इट शुड बी अ I think so. It is a measured along a straight line. देखो, condition एकदम clear हो गया. Straight line में equation. देखो, ये plane का distance ये यहाँ 1 minus 5 comma 9 से distance निकाल लेगा. है ना? ये प्लेन है x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 5 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन और क्या है मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये जो लाइन है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन ये जो है ना जो डिस्टेंस जो निकाले ये लाइन के पैरेलल में ये लाइन चल रही है x is equal to y is equal to z ऐसा समझो this is the straight line which is parallel to this line this is the x is equal to y is equal to z ये straight line है x is equal to y is equal to ये line के parallel में ये line है तो ये line के सबसे पहले हम equation निकालेंगे देखो समझ के लो question बहुत अच्छा question दिया है quality question दिया है question में क्या पूछा उसने देखो options को मिटा देंगे अपन कि ये point का distance ये plane से निकालने का है distance of the point from the plane हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे मगर उससे क्या बोला मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
मेजर अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से अगर से तुमको इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ से अपन ये डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट का ये प्लेन से, तो ये लाइन के क्या रहेंगे मेजर अलोंग मतलब ये लाइन इसको क्या रहेंगी पैरेलल रहेंगी। ये जो लाइन है ना एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मेजर अलोंग मतलब इसके मेजर इसके अलोंग में मेजर करने का है। इसके अलोंग में मेजर करना मतलब ये लाइन जो है ना पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस को लाइन को जो निकालती है ये लाइन को क्या रहेंगे पैरेलल। इसलिए ये लाइन की इक्वेशन कैसे रहेंगे देखो ये लाइन ये पॉइंट में से पास है और इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो दोनों के क्या रहेंगे सेम। तो कैसे लाएंगे लाइन की इक्वेशन x माइनस वन अपॉन इसका डायरेक्शन रेशो वन है y माइनस ऑफ माइनस थ्री नथिंग बट प्लस फाइव इसका डायरेक्शन रेशो वन है इज इक्वल टू z माइनस नाइन अपॉन डायरेक्शन रेशो इज वन इज। तो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें ये लाइन की इक्वेशन ऐसी आएंगी है ना। तो ये जो लाइन ये लाइन की इक्वेशन है कौन सी लाइन की जो अपन डिस्टेंस ये पॉइंट को और ये प्लेन को जोड़ने वाली लाइन ये लाइन का जो कि ये लाइन के क्या है पैरेलल है। तो ये लाइन को अगर से देखेंगे तो ये लाइन वन माइनस फाइव नाइन में से पास है। अब इसका डायरेक्शन रेशो अगर से निकालेंगे तो ये देंगे अपने को इसका भी तो कुछ तो काम होगा ना ये शो के अवसर थोड़ी वाला है। ये लाइन के मेजर्ड अलॉन्ग मतलब इसको ये पैरेलल है। तो जितने डायरेक्शन रेशो ये लाइन के रहेंगे इतने सेम डायरेक्शन रेशो इस करेंगे डायरेक्शन इसके पे एक्स बाय वन वाई बाय वन जेड बाय वन है ना। कुछ नहीं मतलब कितना है वन है कुछ नहीं मतलब कितना है वन है वन है। तो ये लाइन ये पॉइंट में से पास है और इसके डायरेक्शन रेशो इसको क्या रहेंगे पैरेलल। तो एक्स माइनस वन बाय वन वाई माइनस वाई प्लस फाइव बाय वन जेड माइनस नाइन अपॉन वन। इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था कि ये लाइन कैसे आएंगी। अब फिर क्या था अब क्या करेंगे इक्वल टू लैम्ब्रा सबसे पहले क्या करेंगे लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो लाइन ये लाइन और ये प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट है राइट है। तो ये क्या करेंगे मतलब ये लाइन के जो पॉइंट्स है ये प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने से अपने को क्या मिलेंगे प्लेन पे एक आधा पॉइंट मिलेगा। तो प्लेन पे पॉइंट मिलने के बाद ये पॉइंट का और ये जो पॉइंट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों का अपन क्या निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। तो मला सांगा एवढा कळा लागला तर मी पुढे जातो नाहीतर थांबतो मला सांगा। हा क्वेश्चन महत्वाचा आहे जेई मीन्स 2016 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे। येस सांगा कळालं का तुम्हाला मुलांना येस टेल मी नाउ फोन आहे का सांगा रे मी एवढा सर हो सर हो सर बाकी त्यांना काय आहे तू फक्त एकच म्हणाला सगळ्यांचा आला पाहिजे कोण कोण सध्या तेजस आहे सर एकदा रिपीट करा हा बरं ठीक आहे जाणा काय म्हणतो वाळवटे झोपले का सांग ना मग अच्छा काहीतरी तुम्ही सांगा विशाल पवार पण दिसायला ऑनलाईन विशाल कुठे गेला झोपला का काय करायचं सांगायचं का कोण आहे काहीतरी सांग म्यूट केलं वाटतं त्यांनी व्हिडिओ बरोबर की आहे ठीक आहे काय असं नाही। आता तुम्हाला मी कंडिशन काय सांगायला पाहिजे लक्षात आली पाहिजे प्लेन मध्ये कंडिशन महत्वाची आहे। हे बघा हा प्लेन आहे हा प्लेन तुम्हाला दिलेला आपल्याला दिलेला एक्स मायनस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू पाच द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट या पॉइंटचा डिस्टन्स वन मायनस पाच आणि नाईन याचा डिस्टन्स काढायचा फ्रॉम द प्लेन याच्या पासून काढायचा पण कंडिशन काय की ही मेजर्ड अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन। आता मेजर्ड अलॉंग स्ट्रेट लाईन चा म्हणजे आता काय जेव्हा आता हे हवेमध्ये असणार या पॉइंटचा डिस्टन्स या प्लेन पासून काढायचे असेल तर आपल्याला इथे एक परपेंडिक्युलर काढावं लागते नेहमी परपेंडिक्युलर काढलं म्हणजे ही लाईन भेटली मग आता तुम्हाला हे जे परपेंडिक्युलर काढलेली लाईन आहे ही लाईन ऍक्च्युअल काय असेल ही जे वर्ड दिले ना मेजर्ड अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन म्हणजे या स्ट्रेट लाईनचा अलॉंग मेजर आहे या स्ट्रेट लाईनचा अलॉंग म्हणजे ही जे लाईन काढली आपण पॉइंट पासून प्लेन पासून जे परपेंडिक्युलर काढतो ती लाईन ही लाईनला काय असेल पॅरलल असेल कोणती दिलेली लाईनला म्हणजे ही एक्स इज इक्वल टू वाय इज इक्वल टू झेड ला ती लाईन काय असेल पॅरलल असेल। मग आता ही लाईन याला जर पॅरलल असेल तर ही लाईनची इक्वेशन मला पहिले काढता येईल कोणती जे की परपेंडिक्युलर आहे प्लेनला आणि जे की वन मायनस फाय नाईन मध्ये पास आहे तर ही प्लेन की लाईन की इक्वेशन सबसे पहिले आपण निकालेंगे। लाईन एक पॉइंट मध्ये पास आहे तो उसको मतलब कैसे मिलेंगे लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस पांच इज इक्वल टू जेड माइनस नाइन। आता हे
लाइन या पॉइंट मध्ये पास होतं तर पहिले हे काढलं. आता मला सांग ती लाईन याला काय आहे पॅरलल. पॅरलल असल्यामुळे जितके डायरेक्शन रेशो घ्यायचे असेल सेम डायरेक्शन रेशो घ्यायचे असेल. मला सांग याचे डायरेक्शन रेशो किती आहे वन, याचे वन वन. याचे लिहिलेलं काय ना सेम डायरेक्शन रेशो, कारण दोन लाईन काय पॅरलल आहे. याचा पण वन, याचा पण वन आणि याचा याचा पण वन, म्हणजे मला ती लाईन आली. आता मला काय करता येईल आता बघा पुढचा कार्यक्रम काय, त्याचा पुढचा कार्यक्रम काय असेल. मी इक्वल टू लॅम्बडा करून सर्वात पहिले या लाईनचे कॉर्डिनेट्स काढणार. आता लाईनचे कॉर्डिनेट्स काढलं तर लाईन हे प्लेन ला इंटरसेक्ट होते, म्हणजे आता ही लाईनचे कॉर्डिनेट्स प्लेनची इक्वेशन काय करणार सॅटिस्फाय करणार. तर मला तिथून काय भेटणार लॅम्बडा भेटणार. मी मग याच्यात ठेवलं तर मला काय भेटणार एकल एक पॉइंट भेटेल जे की ते प्लेन वर आहे. प्लेन वरचा पॉइंट भेटला की डिस्टन्स फॉर्म्युलाने मला या दोघांचं काय करता येईल डिस्टन्स काढता येईल. तर बघा आता पहिले काय करू, आता ती लाईन जर आली तर पहिल्यांदा याचे कोऑर्डिनेट्स काढू आपण. तर काय भेटणार लॅम्बडा प्लस वन, वाय इज इक्वल टू लॅम्बडा मायनस फाईव्ह, झेड इज इक्वल टू लॅम्बडा प्लस नऊ. तर हे लाईनचे कोऑर्डिनेट्स कोणत्या लाईनचे, ही लाईनचे. आता ही लाईन प्लेनला इंटरसेक्ट व्हायला म्हणजे याचा अर्थ आहे एक प्लेनची इक्वेशन काय करणार सॅटिस्फाय करणार. आता इथे जर मी ठेवलो तर काय होणार मग लॅम्बडा प्लस वन मायनस लॅम्बडा प्लस फाईव्ह प्लस लॅम्बडा प्लस नाईन इज इक्वल टू फाईव्ह स्क्वेअर. याला जर सॉल्व्ह केलं तर बघा ब्रॅकेट करायची गरज नाही, डायरेक्ट कसं करतो लॅम्बडा प्लस वन मायनस लॅम्बडा प्लस पाच प्लस नाईन मायनस पाच इक्वल टू झिरो डायरेक्ट कसं केलं मी. तर हा लॅम्बडा आणि लॅम्बडा कॅन्सल, एक लॅम्बडा राहिला कॉन्स्टंट बघा पाच आणि पाच पण कॅन्सल भेटे का. तर लॅम्बडा किती भेटला, लॅम्बडा इक्वल टू मायनस टेन भेटला का, लॅम्बडा इक्वल टू मायनस टेन बरोबर आहे का, प्लेन बरोबर आहे का. एक्स मायनस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू फाईव्ह, एक्स मायनस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू फाईव्ह, प्लेन बरोबर आहे ठीक. तर लॅम्बडा स्क्वेअर किती आली तुम्हाला मायनस टेन इज द्या. आता लॅम्बडा स्क्वेअर जर आली मायनस टेन तर याच्यामध्ये ठेवून द्या या कॉर्डिनेट्स मध्ये या इक्वेशन नंबर वर, तर मला एक्स वाय झेड भेटणार. तर किती भेटणार मला मायनस टेन प्लस वन म्हणजे किती मायनस नाईन इज. आता काय करा काय करायचं पुट द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा इन दॅट वन. तर तुम्हाला हे नवीन कॉर्डिनेट्स भेटणार, हे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटणार इथे. हे पॉईंट भेटले तुम्हाला तर याच्यामध्ये काय वापरायचं डिस्टन्स फॉर्म्युला करता येईल का करून द्यायचं आता याच्या पुढे आहे ना. फक्त त्याचं जर मी ठेवलं लॅम्बडा इक्वल टू टेन वन मध्ये तर वन चा हा काय भेटेल बघा मला एक्स वाय झेड भेटेल बघा वन मध्ये काय भेटणार एक्स लॅम्बडा प्लस वन मायनस टेन प्लस वन मायनस नाईन मायनस टेन मायनस फाईव्ह मायनस फिफ्टीन मायनस टेन प्लस वन मायनस वन म्हणजे मला हा हा पॉईंट भेटला ऍक्च्युअल कुठे हा पॉईंट भेटला मायनस नाईन मायनस फिफ्टीन आणि मायनस वन. हा प्लेन वर पॉइंट भेटला. आता मला डिस्टन्स फॉर्म्युला ह्या दोघांमध्ये जर वापरलं मी तर मला काय भेटणार लाईन आणि प्लेन म्हणजे याच्यामधला डिस्टन्स भेटणार मला. डी इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये मायनस नाईन मायनस वन मायनस टेन, मायनस टेन चा स्क्वेअर हंड्रेड, मायनस फिफ्टीन प्लस फाईव्ह अगेन हंड्रेड, मायनस वन मायनस नाईन किती मायनस टेन अगेन हंड्रेड, थ्री हंड्रेड इज द्या. थ्री हंड्रेड म्हणजे किती आंतर होईल मी किती बघ थ्री हंड्रेड चा घेते ना मला हंड्रेड गुणिले तीन म्हणजे टेन रूट तीन सर्व. दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दे मीन्स 2016 व्हेरी सिम्पल वन. डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करता था ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे डायरेक्ट फॉर्मुला था तुम्हारा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मगर उसने वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा ये पॉइंट डिस्टेंस प्लेन से निकालो मगर कैसे निकालो मेजर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लाइन को बीच में घुसा दिया. तो लाइन को बीच में घुसाने से कोई मतलब नहीं, जे अपन लाइन काटतो परपेंडिकुलर लाइन ती लाइन दिलेली लाइन ला काय असेल पॅरलल असेल. तर सर्वात पहिले ही लाइन ची इक्वेशन काढावं लागेल. ही लाइन चा पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स मायनस वन याचा डायरेक्शन चूज वन, एक्स मायनस वन अपॉन वन, वाय प्लस फाईव्ह अपॉन वन, झेड मायनस नाईन अपॉन वन, ही लाइन ची इक्वेशन आहे. आता ही लाईन प्लेनला इंटरसेक्ट होते याचा अर्थ आहे तुम्हाला याच्यामध्ये दोघांचे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन साठी दोघांना सॉल्व करावं लागेल. तर त्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे लाईनचे कॉर्डिनेट्स काढले एक्स वाय झेड, ते लाईनचे कॉर्डिनेट्स आपण प्लेन मध्ये पास केले तर आपल्याला डायरेक्ट लॅम्बडा भेटला. तो लॅम्बडाची किंमत आपण येत्या ठेवून दिली, एक्स वाय झेडची किंमत भेटली.
मग एक्स वाय झेड भेटला म्हणजे ऍक्च्युअली काय भेटला लाईन ही लाईन आणि हे प्लेनचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे हा भेटला मायनस नाईन मायनस फिफ्टीन मार्क मायनस वन मग डिस्टन्स वापरलो आपण आपण काय काढू त्याचा डिस्टन्स काढला इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ओके चलो ये क्वेश्चन अगर हो गया होगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आता हा क्वेश्चन तुम्हाला मी होमवर्क घेतो याच टाईपचा क्वेश्चन हा देखील विचारलेला आहे पण मेन्स मध्ये नाही दुसरा क्वेश्चन मध्ये विचारला आहे बघा सेम टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला कसा येऊ शकतो द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट पॉइंट वन कॉमा मायनस टू कॉमा थ्री फ्रॉम द प्लेन From the plane, x minus y plus z is equal to 5, measured parallel to the line, line directly x by 2 is equal to y by 3 is equal to z minus 1 upon minus 6 is first option is something like this. 1, 2, then 3, and then 4. But same type of question again. आता त्यांनी तिथे काय विचारलं मेजर्ड अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन आणि ते सरळ त्यांनी दिलं की ही जी लाईन आहे ती जी मेजर्ड पॅरलल टू द लाईन या लाईनला ती काय आहे पॅरलल आहे आणि तिथे कसं सांगितलं मेजर्ड अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन अलॉंग मुलांकडून कळत नाही ऍक्च्युअल तेच क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आहे सेम क्वेश्चन तो असते त्याच प्रकारे तुम्हाला करते हा एक प्लेन आहे इथून डिस्टन्स काढायचं वन मायनस टू कॉमन थ्री पासून हाफ प्लेन पासून तर हे लाईनला हे काय आहे पॅरलल आहे ही लाईनला सेम कन्सेप्ट डी लाईन कशातून पास आहे मग डी लाईनची इक्वेशन काय भेटेल एक्स मायनस वन अपॉन याचा डायरेक्शन रेशो टू वाय प्लस टू अपॉन डायरेक्शन रेशो किती थ्री झेड मायनस थ्री अपॉन डायरेक्शन रेशो किती मायनस सिक्स ही लाईन भेटली संपला कारण ही लाईन याला पॅरलल आहे मग आता याचा इज इक्वल टू लॅम्बडा करून ह्या लाईनची काय करते कोऑर्डिनेट्स ते लाईन कॉर्डिनेट कशात ठेवायचा प्लेन मध्ये ठेवलं तर कोणाची करून भेटणार लॅम्बडा ची लॅम्बडा ची मग पुन्हा एक्स वाय प्लेन ठेवलं तर काय भेटणार हे भेटणार पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मग डिस्टन्स फॉर्मला आपण तुम्हाला काय करता येईल त्याचा डिस्टन्स काढता येईल सेम क्वेश्चन या टाईपने पण विचारता येईल तिथं फक्त विचारलं होतं मेजर्ड अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन आणि ते सर त्याने दिलं मेजर्ड पॅरलल टू द लाईन या लाईनला ते काय आहे पॅरलल आहे आय होप तिने कोणाचा आला का करून बघितलं का येस एनीबडी किसी का आया क्या यस कोणास आला का नाही केलं वाटत केलं का नाही आला का नाही आन्सर आला का ठीक आहे जाऊ द्या नंतर करा कारण टाइम पास होईल आपला पुढचा क्वेश्चन घ्या पुढचा क्वेश्चन असा आहे मेन्स 2015 मध्ये विचारला प्रश्न द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट मेन्स 2015 मध्ये विचारलं पण जेई मेन्स 2015 मध्ये द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट 1,0,2 फ्रॉम द प्लेन from the plane of intersection of the line line x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 upon 12 और प्लेन की इक्वेशन जो है एंड द प्लेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 प्लस जेड इज इक्वल टू 16 इज फर्स्ट ऑप्शन ए 2√14 सेकेंड ऑप्शन 8 थर्ड ऑप्शन 3√21 लास्ट ऑप्शन 13 ओनली द
लास्ट ऑप्शन इज फॅट नोली. तर हा क्वेश्चन कसं तुम्हाला बघा मेन्स 2015 मध्ये विचारलाय की हा पॉइंट 10.2 चा डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाईन अँड द प्लेन या सेक्शन टू दिला. आय होप हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकते पहिली केली तर है ना. तरुण बघा मग क्वेश्चन नाही आला तुम्ही सॉल्व्ह करून